नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ मेघा सिंह। INDIA के अलायंस में जिस तरीके से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया अलायंस टूट चुका है। नीतीश कुमार खुद ये बात कह चुके हैं कि इंडिया अलायंस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि बीजेपी में जाना बेहतर है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से ये अलायंस का टूटना लगातार सामने आ रहा है, क्या वाकई 2024 में लोकसभा सीट को बचा पाएगी कांग्रेस? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी एक तरफ न्याय यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता उनसे नाराज नजर आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में तकरार है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा लगातार बरकरार है। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है नीलाभ शुक्ला है कांग्रेस से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीत धीर है बीजेपी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पीयूष जोशी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल बीजेपी से, एक ऐसे नेता नीतीश जी जो इंडिया अलायंस के एक ऐसे नेता कहला रहे थे जो कहते हैं रीढ़ की हड्डी थे उस अलायंस के, उनको भी आपने अपने पाले में ले लिया, पर भरोसा कैसे कर पाएंगे अब उन पर? देखिए, अगर कोई भी राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित होकर जनता के हितों के लिए काम करने के लिए अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हमारा एजेंडा कभी भी सरकार बनाना नहीं रहा, सत्ता हासिल करना नहीं रहा। हम जनता के सेवक हैं। तो अगर किसी को सही माध्यम दिखता है, अगर किसी को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है कि हाँ, इस पार्टी के साथ में, इस विचारधारा के साथ में, असल में पार्टी नहीं है, विचारधारा है, लोगों का जो एक भरोसा है वो भारतीय जनता पार्टी ने, उसको हासिल करने के लिए लोगों की सेवा करी है, जनता की सेवा करी है। हिंदुस्तान में आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, दूसरे देशों से आज जो बेहतर हम करके दिखा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व शक्ति और हमारी जो संगठन की शक्ति है, हमारी जो विचारधारा, उसी के कारण हो पाए। और निश्चित रूप से इससे प्रभावित होकर नीतीश जी आए हैं। और बिल्कुल कोई भी व्यक्ति आ सकता है। मैं तो नीलाभ जी, पीयूष जी को भी बोलूंगा, अगर कभी प्रभावित होते हैं तो बिल्कुल आप पहले हमारी विचारधारा को समझिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आइए, आप पहले विचारधारा को समझिए। आप विचारधारा से अगर आपको लगता है कि आप जनता के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको काम करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य जो है हमारा वो राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे लिए सत्ता मायने नहीं रखती, सत्ता हो या ना हो। मुझे याद है अमित शाह ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। आपकी पार्टी ऐसे बयान देती, गृह मंत्री अमित शाह ऐसी बात अगर कहते हैं तो उनको इस बात पे विचार करना चाहिए। एक ऐसे नेता जो 1993 से 2024 तक कम से कम कितनी बार दल बदल चुके, जिस दल के साथ जाते हैं वो दल को बर्बाद कर देते, खुद मुख्यमंत्री बन के बैठ जाते हैं। अभी भी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि क्या पता प्रधानमंत्री के दावेदार की उम्मीदवारी कर रहे थे तो बीजेपी को लगा कि ऐसा ना हो कहीं ये सीट ले जाए, तो इसलिए उनको अपने पाले में बुला लिया। नहीं नहीं मेघा जी, मैंने आपको बताया ना, सत्ता के लिए, सत्ता की भूख नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि संगठनात्मक शक्ति पर चलती कैडर बेस पार्टी है। निश्चित रूप से आज देखिए, हम 4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी पार कर पाए हैं, ये मोदी जी ने जो लक्ष्य पार करके दिखाया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संगठन की शक्ति को ही मजबूत करते हुए चले। और संगठन की शक्ति में देखिए, अगर कोई जुड़ना चाहता है तो निश्चित रूप से सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो बात अगर उसको समझ में आती है और लगता है कि एक बार मौका दिया जाए तो बिल्कुल। जहां तक कि आपने बात करी हमारे माननीय वरिष्ठ नेता है माननीय अमित शाह जी, उनके विषय में, तो ये मेरे संज्ञान में नहीं है। आपने बोला है तो मैं एक बार फिर भी चेक कर लूंगा, बट मेरे संज्ञान में ऐसा बयान उनका कुछ आया है मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है। मैं देता हूं आपको वीडियो, है मेरे पास, सुना देता हूं आपको चाहे तो। मेरे संज्ञान में नहीं है। नीलाभ जी बिल्कुल अपडेट रहते हैं। नीलाभ जी, अब आप कह रहे सुना देते, तो मेरा सवाल आपसे ये, ऐसा कैसा अलायंस आपने बनाया था कि उसके लोग टूटने लग गए? नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा थे उस इंडिया अलायंस के जो एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरते, मजबूत पार्टी कांग्रेस को, कांग्रेस एक मजबूत पार्टी तो थी ही, लेकिन और मजबूती के साथ काम करती नीतीश बाबू के साथ। लेकिन उन्होंने खुद ये बात कही कि उस खेमे में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, नेता सुन नहीं रहे थे। और ये बात भी हो रही है क्योंकि अखिलेश यादव भी ये बात को कह रहे हैं कि अब वोटर पर फर्क पड़ेगा। इसके बाद ममता बनर्जी अलग चल रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता कह चुके हैं कि हम सीट बंटवारे पर बात नहीं करेंगे। क्यों आपके नेता न्याय यात्रा निकालने पहुंच गए, बल्कि अभी तो न्याय की आवश्यकता आपके इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा है? देखिए सीधी बात आपसे, किसने कहा कि इंडिया अलायंस टूट रहा है? ऐसे लोग इंडिया अलायंस टूट रहे जो इंडिया अलायंस के लायक नहीं है, जो ये जो डिजर्व नहीं करते इस अलायंस में रहे। अवसरवादी था जिन लोग जो जनादेश का क्या अवेल ना करेंगे, लोकतंत्र में इनको जवाब मिला, ये अवसरवादी लोग है। अभी शाह जी का वीडियो नहीं सुना? शाह जी ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, एनडीए दरवाजे इनके लिए हमेशा से के लिए बंद हो गए, ये इनका चरित्र है। नीतीश कुमार कितने चाहे मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये इनका चरित्र है। बेहतर है ऐसे चरित्र के लोग इंडियन अलायंस में नहीं रहे,
इंडियन एयरलाइंस ऐसा पवित्र गठबंधन है जो दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत पे दो लोगों की कंपनी, जो दो लोगों को फायदा बनाने के लिए बनी हुई है, इस इंडिया कंपनी के खिलाफ एलायंस खड़ा हुआ है। देखिए एक प्रक्रिया है, कोई भी एलायंस बनता है तो सीटों के बंटवारे को लेकर प्रक्रिया होती है, चर्चाएं होती है, तरह तरह के विचार होते हैं, उसे एलायंस टूटना नहीं कहते हैं। ये उसके एलायंस की मजबूती को समझिए आप। हर व्यक्ति या पार्टी चाहती है हमारे क्षेत्र में हम मजबूत रहे या हम ये सीटें जीत सकते हैं, ये इसको ये दी जाए, ये प्रक्रिया के तहत होता है ये, तो ये अलायंस की मजबूती है। ऐसे लोग जो ईस्ट इंडिया के साथ है वो चले जाए, बेहतर है, इससे 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 गठबंधन कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देश को बचाने की पार्टी है जो एक कंपनी से देश को बचाना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। श्रीमान आप भूल चुके हो कि आपकी जो पार्टी वो दो लोगों की कंपनी बन चुकी है, जिसने पूरा जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी उन्हें खून पसीने से सींचा, उन्हें हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया। ये दो लोगों की पार्टी अब सिर्फ अपने चाहते उद्योगपतियों के इशारों पर चल रहे और आप उसका झंडा उठा के घूम रहे हैं। ठीक है, ये आपका आपकी बुद्धि है, लेकिन सत्यता तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी देश को खोखला कर रही है, इसके खिलाफ एलायंस खड़ा हुआ है और ये एलायंस बहुत मजबूत है, आप चिंता ना करें, ये प्रक्रिया है। नीलम जी, लेकिन आपकी पार्टी के नेता ही कितना, प्रमोद कृष्ण का बयान आया जब नीतीश कुमार शामिल हो गए बीजेपी में, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राम के दरबार में ना पहुंचना भी एक बड़ा कारण रहा कि जिसमें उनको लगा कि राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंची कांग्रेस, ये कांग्रेस का घमंड बोल रहा है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो नेतृत्व करता है उसका नेतृत्व सही नहीं था, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि वाकई राहुल गांधी अगर इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर रहे थे तो ऐसे बड़े लोग क्यों चले गए छोड़ के, इससे तो पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है ना। देखिए बड़ी पार्टी बड़ा कुंदा, 10 लोगों की 10 विचारधारा होती है, उससे इंडिया तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ तो बड़े बड़े गृह मंत्री बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए इंडिया के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, फिर वो उनका बधाई दे रहे हैं, मोदी जी स्वागत कर रहे हैं, तो ये तो इनका चरित्र है। तो 10 तरह की बातें पार्टी में होती है, लेकिन इनके सारे चरित्र हमारा थोड़ी है, ये अलायंस बहुत मजबूत और बहुत मजबूती से काम करेगा। दूसरी राम मंदिर में नहीं जाना, राम मंदिर पे नहीं पहुंचना, निमंत्रण ठुकरा देना, बहुत अच्छी देखिए आप विषय से हटके बात कर रही है, लेकिन मैं फिर उस मुद्दे पर आता हूँ। राम मंदिर का कहीं आपने आप सुन लीजिए, आप पूरा जो आप बात निकाली दी है, राम मंदिर का कहीं भी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था, यह बात आप स्पष्ट रूप समझ जाइए, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। राजीव गांधी ने राम मंदिर के पट खुलवाए थे, तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जी ने उसके शिलान्यास की जिम्मेदारी ली थी, तो राम मंदिर बनना तो हमारा सपना था, असमय राजीव गांधी शहीद हो गए वरना मंदिर कभी का बन जाता। शंकराचार्य के दिशा निर्देशों के अनुसार ये न्यायोचित नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है, धर्मोक्त नहीं है, रामनवमी के समय इसका मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की जाए, मंदिर पूर्ण होने पर प्राण प्रतिष्ठा की जाए, शंकराचार्य के दिशा निर्देशों का हमने पालन किया, लेकिन इन्होंने उसको चुनावी लाभ लेने के लिए सीधे सीधे उसका तरकी कहीं आचार संहिता ना लग जाए ताबड़तोड़ उसका उद्घाटन कर दिया, जबकि अभी मंदिर अपूर्ण है। तो हमने तो शास्त्रों का साथ दिया, हमने सनातन धर्म का साथ दिया, लेकिन इन्होंने उसको वोट प्राप्ति का, हमने राम को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना, इन्होंने उसे सत्ता प्राप्ति का साधन माना, तो ये बड़ा फर्क है। तो हमने मना नहीं किया, हमने इनकी जो राजनीतिक पाखंड है उसको उजागर किया। नहीं, ये तो प्रमोद कृष्ण कह रहे थे इसलिए मैंने ये बात कही, प्रमोद कृष्ण हर आदमी का अलग विचारधारा, उनसे हम सहमत नहीं है, उनकी अपनी विचारधारा, पार्टी कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा मैं मेगा जी अनुमति के साथ में, देखिए मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ सामने, ये वही राहुल गांधी हैं जिनके लिए, देखिए ये मैं कांग्रेस पार्टी का पहले तो उनको नेता बता रहा हूँ, फिर अब ये राजीव गांधी की बात कर रहे थे तो उनके पुत्र भी हैं, देखिए बीफ खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, ये इनकी टेबल में पड़ा हुआ है, ये जो वीडियो है बिल्कुल मत बताइए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, आग्रह है नीलम जी, नहीं नहीं गलत नहीं आने दूंगा आपकी बात, इस प्रकार से नहीं आने दूंगा, आप जनता को भ्रमित मत करिए, आप बौखला चूर है, अपने समय पे क्लियर करिए ना, नहीं आप अपने समय पे क्लियर करिए, नहीं 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 आप अपने समय पे बोलिए, मैंने आपकी बात संयम से सुनी और समय आने पर अपनी बात रख रहा हूँ, देखिए अनुमति मांग के रख रहा हूँ, मेरी बात होने दीजिए। अब देखिए ये जो राहुल गांधी जी का वीडियो है ये तो अपनी जगह है, उसके अलावा कौन नहीं जानता कि
अपने पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, जो भगवान के नाम का केक काट के खा जाते हैं, सरकार की बात तो छोड़ दीजिए, माननीय न्यायालय में जाके हलफनामा देके आते हैं कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, तो क्या कभी कांग्रेस पार्टी के ये लोग जो हलफनामा देके आए थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, कैसे जाते, किस मुंह से जाते मंदिर में? और बात सबसे पहली ये है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता ऐसी बातें करते हैं कि जब कर्नाटका के इनके के आर रमेश बोलते हैं, जब रेप हो रहा हो और लेट के मजे लेने चाहिए, तब इन लोगों को शर्म नहीं आती इस प्रकार की बातें करते हैं, तो लोग कैसे जुड़ेंगे? जहां तक कि नीतीश जी की बात है, अभी 26 मिनट पहले मैं देख रहा हूं कि एक राहुल गांधी जी का बयान आया जिसमें कह रहे हैं कि वी डोंट नीड हिम, तो ये इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, इसका मतलब है जो भी इनके साथ ठीक है। लेकिन गिरधर जी, लेकिन गिरधर जी, सवाल तो ये भी उठता है ना, ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी ये सब कर रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता अगर ये सब कर रहे हैं, तो ठीक है, जनता ने उनको मत भी नहीं दिया, लेकिन जनता ने आपको पूरा मत दिया है, आप कई राज्य में आते, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि नीतीश बाबू को लाने का फैसला कैसे बना लिया। आप कह रहे हैं कि हम सत्ता के उसमें नहीं थे, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम सत्ता के लिए नहीं कर रहे थे, तो कर क्यों रहे थे आप ये सब, जब आपको पता था कि इंडिया अलायंस में वो है, वो इतने वहां के बिहार के लोग खुद कह रहे हैं कि वो इतने धोखेबाज है। आज बिहार की स्थिति अगर आप देखेंगे तो शिक्षा से लगा के स्वास्थ्य तक बिहार की स्थिति अत्यंत गंभीर है। ऐसा नहीं है कि नीतीश बाबू जब आपकी सरकार में थे, इसके पहले भी जब वो आपके साथ गठबंधन कर चुके हैं एक बार, तब भी बिहार की स्थिति वही थी, आज भी बिहार की स्थिति वही है। अब पता नहीं बिहार की स्थिति आखिर सुधरेगी कब, वो आप किसी के साथ भी चले जाते हैं, वो जिस भी पार्टी के साथ जाते हैं मुख्यमंत्री वही रहते हैं, तो ये तो बीजेपी को भी नहीं, सोचना देखिए होगा ना कि अगर आप ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं तो वोटर्स पर भी तो इसका असर पड़ सकता है ना, वोटर्स भी तो सोचेंगे ना, आप भी ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो पहले आपकी पार्टी के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं। कमांड देता हूं उसका, देखिए नीलाब जी, मेरा समय है, मैं आपसे बहुत संयम पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ, मेरा विषय पूरा आने दीजिए, मैं आपके समय पे बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, तो आप संयम रखिए। देखिए आपने दो तीन बातें जो बोली हैं, पहली चीज तो देखिए, नीतीश जी को किसी प्रकार से कोई बरगला के लाया गया या कोई बच्चे हैं, वो ऐसी बात तो है नहीं, वो एक समझदार इंसान है और मतलब इतिहास गवाह है कि वो बहुत लंबे समय से राजनीति करते जा रहे हैं, बिहार की जनता को भली भांति समझते हैं और जनता ने उनको वोट देकर जिता है, कोई वहां पर इस प्रकार का कोई भेदभाव या कोई छल पूर्वक तो जीता नहीं। जहां तक कि जिसकी बात है, अगर किसी को किसी विचारधारा से प्रभावित होकर, और वो भी राइट विंग, यानी कि वो भी राष्ट्रभक्त, वो भी यानी कि आप माने या ना माने, लेकिन उसको पूरा विश्व मान रहा है, तो कांग्रेस के कहने से कुछ होता नहीं है कि यहाँ पर हम जो है राष्ट्र सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पर कांग्रेस हमेशा बरगलाने की बात क्यों करती है? जैसे अभी बिहार का भी आपने प्रश्न पूछा कि क्या डेवलपमेंट होगा, मेघा जी वहां पर मुझे ध्यान है 2016 के जब चुनाव हुए थे उस टाइम पे सुपोल नाम की एक जगह थी, यहाँ पे नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल आसपास है, वहां से मतलब आदमी ऐसे सड़क पार करके खुद ही जा सकता है क्योंकि 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो वहां पर यह स्थिति थी कि 8 बजे के बाद में आदमी निकल नहीं सकता था जब मेरा वहां पर जाना हुआ था, और आज की स्थिति में बहुत परिवर्तन है निश्चित रूप से धीरे धीरे, और वहां पर नोटबंदी ये जो हुई है वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इस प्रकार की कई चीजें हम लेके आए क्योंकि वहां से पाकिस्तान से रूट होकर नेपाल की से रूट होके कई लीगल चीजें आती थी, कई ऐसे लोग जो हैं वो बॉर्डर पार कर जाते थे, तो बहुत एक नहीं अनेकों चीजें हैं। और इन चीजों पे कभी भी 50 साल में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? हम तो रोटी बिजली और पानी की बात ही नहीं कर रहे, इसके तो हम जो है पूरी तरीके से हर तरफ जीत चुके हैं लगभग लगभग, बिहार की ही बात की जाए तो। आज बहुत पुराने हालातों से और आज के हालातों में देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है निश्चित रूप से। कोई राज्य अगर पीछे रह गया है और उसको बेहतर करना है तो वहां के लोगों को अपने साथ लाके, और उसका विकास अगर आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि किसी नेता के कारण जनता का अहित तो नहीं होना चाहिए ना, आप खुद भी ये बात से सहमत होंगे, किसी एक व्यक्ति के कारण से 100 व्यक्तियों को नहीं नुकसान पहुंचाया जा सकता, और यहाँ तो लाखों करोड़ों लोगों की बात है, तो निश्चित रूप से अगर जनता के हित के लिए अगर कुछ हो रहा है तो किसी को क्या दिक्कत है? और 2024 के चुनाव से पहले ही क्यों, सवाल तो ये था ना, और हाँ एक 2024 के चुनाव से नहीं, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए नीतीश जी की जहाँ बात आती है या कांग्रेस पार्टी की जहाँ बात आती है, ये कांग्रेस पार्टी के साथ में जब तक नेता रहते हैं वो ईमानदार रहते हैं, और जैसे ही उनका साथ छोड़ देते हैं उनके ऊपर ये इस तरीके से चीरहरण करने लगते हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। क्या ये उचित है कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति से नहीं, मैं एक आम आदमी के रूप में
नीलाब जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप ही बताइए, और राहुल गांधी क्या खाते हैं उनका लेना देना है, वो पिज्जा खाएं, हमें मालूम है ना, वो उड़ीसा के हैं ना वो बंगाल के हैं ना वो पंजाब के, वो तो इटली बॉय हैं, वो पिज्जा और पास्ता ही खाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे जो खाएं, लेकिन ठीक हम है अपना तो नहीं डॉक्टर, बिगाड़ेंगे। और एक और बात जो आप ठीक बिल्कुल कह रहे थे ना, मैं एक और चीज ये देखिए, ये जो लड़का है इसका मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, राहुल गांधी जी के साथ में बैठा वो हुआ है, मशरूम नहीं खाते ना। ये वही मटकुली है जिसने गाय का सर काट के हिंदुस्तान के झंडे पर रख दिया था, ये देखिए देशद्रोह का भी, और ये साथ में इनके इनकी यात्रा में फोटो खिंचवा रहा है। तो राहुल गांधी ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। तो जहां तक की बात आ गई, मैं नाम के साथ बता सकता हूँ, और नीलाब जी सही को सही कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा तो ये मानना है कि आप भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं और सत्य का साथ दीजिए, और ये जो भारत ठीक है डॉक्टर पीयूष जोशी भी मेरे साथ मौजूद है, एक एक फर्स्ट कमेंट जून उनसे में भी जब लेते हैं। जून में एक सेकंड जब जून में इसका जो पहला आपका एक नीलाब जी एक मिनट जून में जब पहली बैठक हुई थी तो 28 अक्टूबर में सात सदस्य थी, तभी मल्लिका खड़गे जी और इनकी जमीन दिख गई थी, आज ठीक भी है नहीं है। डॉक्टर पीयूष जोशी, दोबारा हम आपके पास रुकेंगे डॉक्टर पीयूष जोशी। पीयूष जोशी, आपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुनी, क्या नजर आ रहा है? क्योंकि पंजाब में भी बंटवारे की, एक सेकंड नीलाम जी, पंजाब में भी बंटवारे की बात को लेकर के साफ साफ आम आदमी पार्टी के नेता ने ये कह दिया है कि वहां पर कोई बंटवारा नहीं होगा, तो कैसे चलेगा, आप कैसे चलेगा इंडिया अलायंस? देखिए, इंडिया अलायंस तो जिस तरीके से चल रहा है वैसे चलेगा और अच्छे से चलेगा, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल को अपोजिशन का भी स्कोप क्यों दिया जाए, आप एक बात समझें। वहाँ पे यदि लड़ाई मान लीजिए दो मुख्य दल है वहाँ पे, आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उतना भी स्कोप क्यों दिया जाए जिनके पास थोड़ी भी जमीन नहीं है, चंडीगढ़ को छोड़ के बाकी के जगह पर कहीं भी जगह जगह नहीं, तो उनको उतना स्कोप भी क्यों दिया जाए कि वो नंबर टू नंबर थ्री आए। भाई वहां पे नंबर वन जो आएगा आम आदमी पार्टी का आएगा या कांग्रेस का आएगा, तो जो भी आएगा इंडिया गठबंधन से ही तो जीतने वाला है कांग्रेस की सीट। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो केरला वाली स्ट्रेटेजी है, चाहे यूडीएफ से आए चाहे एलडीएफ से आए, बीजेपी का तो नहीं आएगा ना, तो इसलिए पंजाब की स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाती है। रही बात इंडिया गठबंधन की कि भाई किस तरीके से चलेगा और किस तरीके से नहीं चलेगा, तो उस बात के ऊपर अपन एक बार और आते हैं, पर उसके पहले मैं गीत भाई से, गीत भाई बहुत ही संयमित तो और बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनसे हम थोड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं। जब वो एक टेलीविजन चैनल पे एक बहस में आते हैं तो फेक न्यूज तो नहीं फैला सकते ना वो यहाँ पे। पिछली बार भी मैंने पूरे मान के साथ में आप ही के चैनल पे स्वामी जी बैठे थे और मैंने स्वामी जी को पूरे मान के साथ में उनकी बात का प्रत्युत्तर दिया था और अपना ओपिनियन रखा था, तब इन्होंने कहा था कि आप हमारे धर्म गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए ना डिबेट। आप एक टेलीविजन चैनल पे आ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आप झूठ नहीं फैला सकते महोदय, शायद आप ये बात जानते नहीं होंगे। तो जो बीफ वाली बात है वो भी कुणाल विजयकर एक फूड ब्लॉगर है, उनके साथ में एक इंटरव्यू था उनका राहुल गांधी का, और उसमें वो चिकन खा रहे थे, तो चिकन खाना इस देश में अपराध तो नहीं है? 70% जनता इस देश की नॉन वेजिटेरियन है। अब रही बात ऐसे, क्योंकि देखिए बीजेपी के पास मूल मुद्दे खत्म हो चुके हैं। बीजेपी के पास, हम मध्य प्रदेश की बात लेते हैं जिस प्रदेश से हम तीनों आते हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि मातृ मृत्यु दर में नंबर टू है, नवजात मृत्यु दर में नंबर वन है मध्य प्रदेश। चुनाव जीत रहे हैं वो बात अलग है, उसके लिए इनको बधाई दी जाती है, पर उससे मातृ मृत्यु दर में वो नंबर टू के नंबर थ्री हो गए क्या, या नवजात मृत्यु दर में जो पिछले 20 साल से नंबर वन मध्य प्रदेश आ रहा है वो नंबर टू पे आ गया क्या? यदि हम इन चीजों की बातें करेंगे, हम इंडाइसेस की बातें करेंगे, सोशल डेवलपमेंट इंडाइसेस की बातें करेंगे, तो सबको पता है 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, पूरे देश के अंदर 1,25,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। तो इस तरीके की यदि हम बातें करने पे आएंगे तो भाई यही तो मुद्दे है ना चुनाव के, यदि ये मुद्दे नहीं है तो ठीक है, ये भाई एक ही मुद्दा सिंगल रख देते हैं कि भाई राम मंदिर बना दिया इस वजह से आप सरकार बना दीजिए, बाकी मुद्दों की जरूरत ही नहीं है। आप एक बताइए, राम राम मंदिर मंदिर की उद्घाटन वजह से बहुत सारी चीजें पीयूष जी चेंज हुई है ना, देखिए कई पार्टी के भावनात्मक बड़े नेता, केजरीवाल भले ही वहां नहीं पहुंचे लेकिन केजरीवाल ने भी जाप तो करवाया दिल्ली में, केजरीवाल भी पूरे केजरीवाल दिल्ली जी को में जाप आमंत्रण ही नहीं करवा दिया रहे गया थे। था, केजरीवाल जी को आमंत्रण ही नहीं दिया गया था, केजरीवाल जी ने बोला था कि आमंत्रण प्राप्त होगा तो मैं जाऊंगा। एक देखिए आप एक चीज, मेरी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, चलिए अपन लॉजिकल बात कर रहे हैं इसलिए मैं लॉजिकल बात करता हूं। आजकल क्या लॉजिकल बात करने वाले को हिंदू द्रोही देश द्रोही बहुत आसानी से बोल दिया जाता है, ठीक है? तो अब मैं नहीं बहुत ही बोला, लॉजिकल बात बिल्कुल कर रहा बोला। हूं कि राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, क्या यह भारत सरकार का कार्यक्रम था? प्रश्न का जवाब बिल्कुल भी नहीं। नहीं, नहीं था। एक ट्रस्ट का कार्यक्रम था, न्यास का कार्यक्रम था। अब उस एक न्यास के कार्यक्रम में भारतीय एयरफोर्स के विमान क्या कर रहे थे? भारतीय एयरफोर्स के विमान एक न्यास के कार्यक्रम में, जो कि भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं था, उसमें भारतीय एयरफोर्स के विमानों का उपयोग किया गया। ये तो देखिए आस्था की बात है, और इस देश की आस्था, इस देश के हर व्यक्ति की आस्था, कण कण की आस्था, पत्थर पत्थर की आस्था, इन जीवित लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है और सब भगवान श्री राम के मतलब पूरे देश के आराध्य हैं, इसलिए लोग ये प्रश्न नहीं उठाते। पर
पर यदि हम लॉजिक की बात करेंगे तो लॉजिक अलग होता है ना मैडम। तो जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही, नीतीश कुमार की बात हो रही है, नीतीश कुमार के बारे में मेरा शुरू से मानना था, मैं हमेशा से बोलता था कि नीतीश कुमार आए भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के कहने पे और वो जाएंगे भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के कहने पे। ये बात देखिए, कई बार है ना, अब स्पाइस भेजे जाते हैं, अपने जासूस भेजे जाते हैं पता करने के लिए कि किस स्थिति से क्या चल रहा है, और यदि कुछ अच्छी नीति बनती रहती है तो उस नीति को तोड़ने के लिए भी लोग भेजे जाते हैं। तो उस प्रकार के व्यक्ति आए थे, चले गए, कुछ नुकसान कर गए। मैं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि थोड़ा नुकसान तो बिहार में होगा नीतीश कुमार के जाने से, ये तो नहीं मैं मानूंगा कि नहीं होगा नुकसान, थोड़ा नुकसान तो नीतीश कुमार जी के जाने से होगा। यूपी में भी होगा, देखिए यूपी में तो इतना नहीं होगा, पर नीतीश कुमार जी के बिहार में जाने से तो नुकसान होगा। पर देखिए, ये नुकसान को पाटने का काम अब इंडिया गठबंधन को करना है और अपनी जो बातें हैं वो जनता के बीच में पूरी प्रखरता के साथ में और बल के साथ में ले जाने का काम करना है, और मेरे ख्याल से वो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वहां पे अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली और पंजाब में जाके अपनी सरकार की जो गतिविधियां हैं वो गिना रहे हैं कि भाई हमने ये कार्यक्रम करे हैं। इसी प्रकार से तमिलनाडु में एमके स्टालिन कर रहे हैं, लेफ्ट में पिनाराई, केरला में पिनाराई विजयन कर रहे हैं। तो सब जगह पे काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है और अच्छी चीजें जारी है, और एक मजबूती के साथ में एक चुनाव लड़ा जाएगा। आप देखिएगा, देखिए एक होता है प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल इकोनॉमी। आप नेशनल मीडिया की, नोएडा के मीडिया की बात करेंगे तो उसकी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसके पास में एक एजेंडा है जो उसको सर्व करना है, तो एक तरीके का नैरेटिव बनाएगा। आज चंडीगढ़ में जो हुआ वो लोकतंत्र का खुली हत्या थी, चंडीगढ़ के मेयोरल इलेक्शन में किस तरीके से पूरे दुनिया ने देखा कि कैमरे में कैद हो गया कि किस तरीके से पीठासीन अधिकारी ने अपना पेन चला के वोट कैंसिल करा और वोट कैंसिल करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मेयर बनाया। तो ये वो लोग हैं जो चुनाव जीतने के लिए, पद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा को लाना हो, चाहे वो दिगंबर कामत को लाना हो, चाहे वो छगन भुजबल को लाना हो, चाहे वो अजीत पवार को लाना हो, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये उस विचारधारा के लोग हैं जिस विचारधारा के मानने वालों ने इस देश के राष्ट्रपिता की हत्या की थी, जिनकी पुण्यतिथि पे आज हम ये बहस कर रहे हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने इनका जो पैतृक संगठन है उसकी बिल्डिंग्स पे इन्होंने कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा तक नहीं फहराया, और ये बात करते हैं देशभक्ति की, आज हमको आगे देशभक्ति सिखा रही है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, ये उस विचारधारा के लोग हैं। देखिए जनता किससे कनेक्ट हो रही है, जनता, ठीक है, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, भावनात्मक मुद्दों से कनेक्ट होती है मेघा जी, जनता भावनात्मक मुद्दों से फौरी तौर पर तो कनेक्ट होती है, पर धीरे धीरे है ना, आप एक चमकीला खिलौना दिखा के बच्चे को थोड़ी देर के लिए तो आकर्षित कर सकते हैं, पर यदि वो खिलौना खराब निकलता है तो बहुत लंबे समय तक आकर्षित नहीं किया जा सकता। किसी एक राष्ट्र के इतिहास में 10 साल 15 साल कोई बहुत बड़ी समयावधि नहीं होती है। एक राष्ट्र का निर्माण हजारों साल में होता है, सैकड़ों साल में होता है। राष्ट्र के इतिहास का निर्माण और भारत जैसे महादेश का निर्माण हजारों सैकड़ों सालों में हुआ है, और आप देखेंगे इतने युगों युगों में इस देश का निर्माण हुआ है, तो 10-15 साल की हम लोग क्या बात कर रहे हैं मैडम। 10 साल के शासन में ये लोग इस तरीके से इससे अहंकारी हो गए, एक ही शेर याद आता है इनके लिए कि तुमसे पहले जो यहाँ पे तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकी था। तो आप भी खुदा होने का भ्रम पाले बैठिए, खुदा कुछ और है, भगवान राम ऊपर बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। जिस तरीके से आप वोट के लिए उनका दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और उनकी जो लाठी है ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, तो भगवान श्री राम की लाठी में भी आवाज नहीं है। और जिस तरीके से दुरुपयोग आप सड़क गली गली कर रहे हैं भगवान के नाम का, भगवान राम ही आपको इस बात का दंड देने वाले हैं। मेघा जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा बात का उत्तर, एक सवाल भी है, एक सवाल है मेरा सबसे पहले तो आपसे, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि देश और राष्ट्र में क्या अंतर होता है, क्या आप इसको कुछ समझा पाएंगे सिर्फ दो शब्दों में, मर्याद एक लाइन में? सर आप जिस दिन चाहो उस दिन हम शास्त्रार्थ के लिए बैठ जाएंगे, आज जो डिबेट का टॉपिक है वो इंडिया गठबंधन है सर, आप जिस दिन बोलो देश महादेश राष्ट्र राज्य सबके ऊपर हम बहस कर लेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो देश और राष्ट्र क्या सर, आप जो है विषयांतर क्यों कर रहे हो, आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं, आप फेक न्यूज़ फैला रहे हो स्टेट मीडिया पे, और आप मुझे बोल रहे हो कि आप मुझे राष्ट्र और देश में अंतर बता दीजिए ना, आप मेरे को देश राष्ट्र से राज्य बता चुके हैं सर, उससे बात करते हैं जी, आपकी बात कर रहा हूं, आप मुझे इतनी सी बात, मैं लॉजिक सिद्ध करता हूँ, आप मुझे इतना सा बताइए कि देश और राष्ट्र में क्या आप अंतर डिफाइन कर सकते हैं, क्या आप अंतर बता सकते हैं? देखिए मैं अब आपको बता, ये जो स्क्वायर है ना जिसके अंदर फोटो हमारी दिख रही है, ये फोटो काट के रखे गए, तो हम प्लॉटिंग करते हैं ना, तो वो हमने काट के किए,
तो वो जो होता है देश होता है, राष्ट्र क्या होता है, अखंड भारत की जिसकी हम बात करते हैं, कंधार से लेकर हिंदुस्तान तक के अपने आप बनता है वो नक्शा, वो काट के नहीं बनाया गया उसको। ये नई डेफिनेशन है, ये नई डेफिनेशन है प्रभु, ये आप ही की डेफिनेशन है और किसी की डेफिनेशन जो बनता है, ये जो मैंने कहा अखंड भारत की हमें डेफिनेशन यहां बड़ा डेफिनेशन है मेरा भाई, बीच में मेरे शोक के टाइम का नक्शा यूज कर रहे हो सर आप, 21वीं शताब्दी के नाम में आपकी सुन रहा हूं जी जी जी, आप सीधे सीधे शब्द में बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या राहुल गांधी ने वो जो जो पीयूष जी कह रहे थे कि वो जो खाया था बीज जिसकी बात कर रहे थे, मांस जो वो खा रहे थे, उसको लेकर क्या बात कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ये आपको एक वीडियो और दिखा दूं, जो बात कर रहे थे पीयूष भाई वो बिल्कुल अलग कर रहे थे, मैं कर्ली टेल्स ये नाम लेके बोल रहा हूं, इस वीडियो को आप लोग भी जरूर देखें और इसमें क्या खा रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि चलिए हमने वीडियो एडिट कर दिया लेकिन उनकी आवाज है और हमारे चैनल पे नहीं डली है, ये एक ब्लॉगर है, अगर ये गलत है तो इनके ऊपर डिफेमेशन का केस क्यों नहीं लगाती कांग्रेस पार्टी? अगर आपने चिकन का वीडियो बीफ बोलते हुए दिखाया कि नहीं दिखाया, आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है क्या सर? चेहरा एक मिनट सर, कोई और मुद्दा तो लाओ, ढंग की बात करो, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, वो पाव भाजी खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या है सर गीत भाई, थोड़ा अपन लॉजिकल डिस्कशन करते हैं। नहीं नहीं पीयूष जी, जब बात आ रही है, बात तो नीला भाई को ठीक है, फेक है, फेक नहीं है, हम लोग जो प्रमाणित रूप से करते हैं, एक बात अरे ये फेक न्यूज है यार, रुको आपको दिखाते हैं, मैंने आपको मोदी जी का प्रमाण दिखाया कि सब गाय का सर काट के रखा हुआ है, अगर गलत है तो लगाइए ना केस। अरे रुको रुको रुको, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक व्यक्ति बोलेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगी, गीत जी आप बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने मांस खाया और कांग्रेस वाले लोग भी कह रहे हैं मांस नहीं, इन्होंने ये बोल रहे हैं उन्होंने गौ मांस खाया और जो वीडियो दिखाया वो गलत है, दोनों में अंतर है, रुकिए आपको दिखा देते हैं। एक बात मैं बोल रहा हूं, ये रहा मैडम, ये देख लो, ये देख लीजिए, ये रहा, ये रहा फेक फेक न्यूज़, हमारा मुद्दा ये है ही नहीं, हमारा मुद्दा ये है, ये रहा यही फोटो दिखाया था आपने कुणाल विजय करके साथ वाला, मैं आपको जो फोटो, वही बात है, तो मुद्दे पे आके बात करते हैं, दोबारा दिखा देता हूं, ये देखिए, ये एक महिला है और आप पुरुष की बात कर रहे हैं, मैं और भी क्लियर कर देता हूं, अरे आपने कुणाल विजयकर का दिखाया था भाई, रिकॉर्डेड है ये पूरा प्रोग्राम, क्या बात कर रहे हो आप? देख पा रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? प्रोग्राम रिकॉर्डेड है आपका, पूरा प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, इनका रिकॉर्डेड प्रोग्राम रिवाइंड करके दिखा दो आप, और जनता भी देख रही है, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, कैमरे के पास लाके दिखा रहा हूँ, टेबल पे क्या रखा है देखिए, आप रिवाइंड करके दिखा देना, मेगा जी चैनल पे नहीं दिखाया था और क्या दिखाया था, मैं वो भी दिखा रहा हूँ, ये भी दिखा रहा हूँ, चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं, और अभी आप इसको भी झूठा बोलेंगे क्या? दूसरी बात, राहुल गांधी जी का दो मुहैया चेहरा क्यों, कांग्रेस का दो मुहैया चेहरा क्यों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दो मुहैया चेहरा क्यों? यहाँ पर जब कांग्रेस की बात नहीं बनती नजर आती तो कांग्रेस जो है किसी भी हद तक के गिर जाती है, भगवान राम के चरित्र पे जो है सवाल उठा दिए, यहाँ पर भगवान का नाम लेने से राम राज्य या सवाल क्या उठा है बताइए, मैं आपको बार 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 से नहीं कौन लेके आया था श्री राम काल के, आपके नेता झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं, आप पहले ये बताइए, या तो आप झूठ बोल रहे हैं क्या ये जी? पर गीत जी हमने तो राम पर हमने तो गीत जी एक सेकंड पर हमने तो रामलला को अयोध्या में बिठा दिया है, वो सारी जनता ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि रामलला को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आप ये बताना चाह रहे हैं ना, नेतृत्व में बिठा दिया गया है, अगर कांग्रेस वहां होती तो कांग्रेस भी बिठा देती, ऐसा कांग्रेस कहती है लगातार कि अगर हम होते, अगर कोर्ट का फैसला आता तो हम भी बिठा देते, मुद्दा ये नहीं है कि अब तो राम जी बैठ गए हैं, लेकिन मुद्दा सिर्फ ये है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है नीतीश बाबू के थ्रू, क्योंकि यूपी में भी जिस तरीके से यूपी के लोग भी परेशान हो गए, तो अखिलेश यादव भी परेशान है इस बात को सोच के कि अगर नीतीश बाबू यहाँ होते तो वो यादव वोटर को साथ लेते, क्योंकि वहां का जो यूपी का क्षेत्र भी बड़ा है तो वो भी परेशान है, क्योंकि नीतीश बाबू को आप अपने पास ले आए, तो कांग्रेस को जवाब देने दीजिए इस बात पे, क्योंकि आप इतने बड़े नेता को अपनी पारी में ले आए हैं, फिर आप कांग्रेस को बोलने नहीं देते, कहीं तो बोलने दीजिए, कम से कम थोड़ा मौका भी दीजिए उनको बोलने का। दूसरी बात, अच्छी बात है पीयूष जी ने जो बात कही कि राम को लाना बहुत अच्छा था, ये आस्था का विषय था, हम सब राम को मानते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर वाकई कब बात होगी? आज मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति आज ये है कि क्या राम के नाम से बेरोजगार रोजगार कर लेगा, क्या राम के नाम से हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे? राम का नाम बहुत अच्छा है लेकिन राम की मर्यादा पे कितना पालन हो रहा है,
ये भी तो बेहद जरूरी है ना। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। पहली बात, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान श्री राम का नाम लेकर तो देखिए हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये सच्चे नहीं है। क्योंकि सीएम हाई राइज स्कूल भी हम लेके आए, मध्य प्रदेश एक उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जो केजरीवाल सरकार बोलती थी मोहल्ला क्लिनिक और ये वो। आज चिकित्सा के क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश की, आज आप भोपाल की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें, छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट प्लेस गुना, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, कहीं भी चले जाइए, चिकित्सा के रूप में, शिक्षा आप आइए, इंदौर आए आप, अभी प्रोग्राम के पहले बोल रहे थे इंदौर आएंगे, आइए मैं दिखा के लाता हूँ जिला अस्पताल आपको इंदौर का। वो आप जाएंगे तो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पधारिए आप, आपको मैं लेके चलता हूँ जिला अस्पताल इंदौर के। क्या बात कर रहे हो आप, क्यों आइए मैं लेके चलता हूँ आपको सरकारी स्कूलों में, मेरा खुला आमंत्रण है आपको। उसकी धानली ना चले, हम ये चाहते थे कि आमंत्रण दे रहा हूँ, आप आइए मैं आपको सरकारी स्कूल में लेके चलता हूँ। जनता को हम राहत पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता ये बात को भरी बात मेरे देश की जनता, मेरे प्रदेश की जनता समझदार है, इसमें समझना पड़ेगा कि काम करने पड़ेगा। एक सवाल ये भी रहा, ये बात सही है कि इंदौर के जिला अस्पताल की हालात बहुत खराब है, हमने एमवाई देखा, मैं खुद जब रिपोर्टिंग करने गई एमवाई में, मैंने वहाँ के टॉयलेट्स देखे तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ आपको कि वहाँ के टॉयलेट्स की स्थिति क्या थी, वहाँ पे महिला वार्ड की स्थिति क्या थी। लेकिन क्या कभी आम आदमी पार्टी के नेता, कभी कांग्रेस के नेता, कभी कोई भी नेता ने वहाँ जाके धरना किया इस बात को लेके कि यहाँ की स्थिति खराब है? या किसी पार्टी के नेता वहाँ रोज पहुंचते और ये बात कहते हैं कि स्थिति खराब है? मीडिया पे सवाल तो बहुत होते हैं कि मीडिया वहां नहीं पहुंचता, साधना न्यूज खुद वहां पहुंचा था कई बार, मैं कई बार वहां गई हूँ। मैं बहुत क्विकली जवाब देता हूं आपका इस बात का। तो आप जिला अस्पताल को लेके एक दिवसीय धरना आम आदमी पार्टी ने दिया था, उसके बाद में कम से कम चार ज्ञापन की तो कॉपीज मेरे पास में रिसीव्ड है कि जिला अस्पताल पांच साल से बन रहा है, वो नहीं हुआ। एमवाई को लेके हम लोगों ने कम से कम मैं आपको बहुत ही रीजनेबल अथॉरिटी के साथ में बता रहा हूँ, जो दवाइयां हैं, दवाइयां जो बेचने की, जो पूरी की पूरी उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान जी साल भर पहले कर चुके हैं, सब चीज को लेके आम आदमी पार्टी के तो नेता के रूप में मैं आपको बता देता हूं, प्रवक्ता के रूप में हमने कम से कम 10 से ज्यादा बार हमने एमवाई प्रांगण में प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है। अब ये बात है कि इनके कानों पे जूं तक नहीं रहती तो क्या करें। अब गीत भाई कल इंदौर आ रहे हैं ऐसा प्रोग्राम के पहले उन्होंने बताया, तो मेरा बहुत ही सविनय सादर आमंत्रण है आपको, आप पधारिए मैं आपको जिला अस्पताल लेके चलता हूँ, आप पधारिए मैं आपको हमारे क्षेत्रीय विधायक के घर के सामने के सरकारी स्कूल में लेके चलता हूँ कि किस प्रकार से कूड़ा घर बना हुआ है वो, और आप आइए मैं मेरे घर के पीछे के सरकारी स्कूल में लेके चलता हूँ, और आप आइए मैं आपको आपके सीएम राय स्कूल में लेके चलता हूँ, जो कि यहाँ पे 50 साल से बने हुए विद्यालय है इंदौर शहर के अंदर। सीएम राय स्कूल के नाम पे एक भी नया विद्यालय नहीं बनाया है, जो पुराना विद्यालय है उसकी तक घास नहीं काटी है। मालव कन्या विद्यालय जो सीएम राय स्कूल है, अहिल्या आश्रम, मलार आश्रम सीएम राय स्कूल आपने बना दिए। अरे मलार आश्रम को सीएम राय की जरूरत नहीं, पीएम राय की भी जरूरत नहीं है, इतने सालों से दशकों से वो इस इंदौर शहर की शोभा बढ़ा रहा है, आप उसको सीएम राइज की बात कर रहे हैं? आप आइए, आप चलिए मेरे साथ स्कूल, मेरे पास में सारे स्कूलों की रिपोर्ट है आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में, सारे सरकारी स्कूलों की 85 स्कूलों की लिस्ट है मेरे पास में जिनकी हालत खराब है। उसके अलावा आपकी जितनी यहाँ पे संजीवनी क्लिनिक कितने फंक्शन कर रहे हैं इंदौर में आप मुझे बताइए। आप यदि आप और हम बात करेंगे, 85 संजीवनी क्लिनिक का प्रॉमिस हुआ था, 16 भी ढंग से नहीं चल पा रहा इंदौर शहर के अंदर। जिला अस्पताल 5 साल से बन रहा है और अगले 5 साल तक शायद बनता रहेगा, जो उसकी निर्माण की गति है। इंदौर ऐसा जिला है जिसमें पिछले 5 साल से जिला अस्पताल फंक्शनल नहीं है साहब। आप क्या शिक्षा और चिकित्सा की बात करते हैं आपकी, ठीक है देखिए मैं ये बोल रहा हूं, जनता भावनात्मक मुद्दों पे वोट देती है, हिटलर के भी सपोर्ट हुए हैं, 20 साल तक हिटलर का शासन रहा जर्मनी में, खूब सपोर्ट हुआ है हिटलर का, तो ऐसा नहीं है राष्ट्र के इसमें 10-20 साल कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता है, पर सच्चाई के लिए लड़ने वालों को तब भी याद रखा गया था, पहले भी याद रखा गया था, आजादी के पहले भी याद रखा गया, आजादी के बाद में भी याद रखा गया, और हम वो ही हैं जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, चाहे अभी कितनी भी दिशा विपरीत हो, धारा कितनी भी विपरीत बह रही हो। और रही बात हार की, तो गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंगने हुए, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो छाती चौड़ी करके चलते हैं, गर्दन ऊंची करके चलते हैं, सच की बात पूरी पुरजोरी के साथ में रखते हैं और बल के साथ में रखते हैं। आइए
सादर आमंत्रण है, समय निकालिए, आधे घंटे में आपको पूरी चक्कर इंदौर के अस्पतालों के और स्कूलों के लगवा के लाते हैं। आप खुद को शर्म नहीं आ जाएगी, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आप बोलिएगा और तब मैं आपको आमंत्रण दूंगा कि आइए और आम आदमी पार्टी में हमारे साथ में ज्वाइन कीजिए और सच्चाई की लड़ाई लड़िए, धर्म की और भावना की लड़ाई मत लड़िए, सच्चाई की लड़ाई लड़िए, जो आपका जो ये प्रॉक्सी एजेंडा है उसकी लड़ाई मत लड़िए, फर्जी राष्ट्रवाद की लड़ाई मत लड़िए, सच्चे राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़िए। जी जी जवाब देंगे जी जी जी, बहुत सारे आरोप है आपके ऊपर, बहुत सारे आरोप आम आदमी पार्टी के आरोप नहीं आई है, सच्चाई तो खुद एक जर्नलिस्ट है और चौथा स्तंभ है। मैं आदर के साथ में आपसे ही पूछता हूँ मेघा जी, ये तो इस बात में तो कोई जोटाई वाली बात नहीं है, तो कैसे संभव है? हाँ, कहीं एकाध जगह पे अगर कोई ऐसी चीज रह गई है या छूट गई है, मैं ये भी मान लेता हूँ, क्योंकि अगर कहीं ऐसी कोई चीज है, पीयूष भाई ने बताया है, बिल्कुल उसको संज्ञान में लेंगे, लेकिन ये कोई तरीका कि झूठ बोल रहे हैं या गलत इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो जनता के हितों के लिए काम करने के लिए मानी जाती है। ये भी मैं नहीं कह रहा, पूरा विश्व कह रहा है, दूसरे देश के प्रधानमंत्री आके हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पैरों में जो है प्रणाम कर जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। आज मेरा सीना जो है घर से चौड़ा हो जाता है, राम राज्य की बात मैं वही बोल रहा हूँ कि भगवान श्री राम का नाम तो लीजिए, आपको अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं ये आस्था के अलावा मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बीमार नहीं पड़ेगा आदमी, या प्रैक्टिकल करें तो बिल्कुल स्कूल तो हम बना ही रहे हैं, बिल्कुल हम चिकित्सालय बना ही रहे हैं, लेकिन जादू की छड़ी नहीं है कि एक ही दिन में कर दिया जाए। निश्चित रूप से कुछ अगर जगहों पे फिर भी आपका अगर ऐसा लगता है आपको कि ध्यान छूट गया, मैं फिर भी बोल रहा हूँ अनदेखा भी अगर हो रहा है कहीं ऐसी कोई जगह है, आप मुझे पहुंचाए, मैं व्यक्तिगत रूप से करवाऊंगा, क्योंकि देश तो मेरा है, प्रदेश तो मेरा है, तो बिल्कुल मैं इसमें कोई बात ही नहीं। ये जब हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में देखा तो हमने देखा कि पानी की किल्लत से राजस्थान गुजर रहा था, लेकिन मैं किसी सरकार की तरफ बात नहीं कर रही हूँ पीयूष जी, मेरा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है जी। लेकिन हमने देखा कि जब मोहन यादव की सरकार बनी तो किस तरीके से मध्य प्रदेश से अब पानी राजस्थान पहुंचेगा, और राजस्थान के लोगों में बड़ी खुशी है इस बात की। मैं कल और आज दोबारा इस खबर को पढ़ रही थी तो वहां के लोग बड़े उत्साहित है, लेकिन यही काम कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, इतने सालों में नहीं कर पाई, बल्कि उनके पास भी 5 साल तक का काम था, 5 साल वो कर सकते थे, लेकिन मोहन यादव की सरकार ने इस कार्य को तुरंत किया। और अब देखिए ना, वाकई अगर किसी तरह की कमियां हैं और भारतीय जनता पार्टी को कमियों पर काम करना चाहिए, लेकिन जो अच्छाई है विपक्ष को वो भी बताना चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छाई भी बहुत सारी है, प्रधानमंत्री आवास योजना हमने देखा, हमने देखा आयुष्मान योजना, हमने देखा लाडली बहना का। मैं कहूंगी कि वाकई प्रदेश में जितना कर्ज है कि धीर जी, वाकई वो अपने आप में सोचने की स्थिति है। जिस तरीके से आप लाडली बहनाओं को फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं आज के हालात में, 1,000 से किसी बहना का घर नहीं चल पाएगा, 1,500 से भी नहीं चल पाएगा। तो वो केजरीवाल जी जो बात कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बनवाइए, स्कूल बनवाइए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, ताकि फ्री की रेवड़ी की आवश्यकता न पड़े, इस पर भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे संगठनों के साथ भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए जो आपको उचित ज्ञान दे सके, न कि नीतीश बाबू जैसे लोगों को ला करके कि वो कब पासा पलट ले, इसका कोई पता नहीं है हमको, क्योंकि वो 1994 से यही कर रहे हैं लगातार। लेकिन पीयूष जी आपको ये बात भी कहनी होगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज एक मजबूत पार्टी बनके उभरी है, देखिए ना, वो राम राज्य की बात हो चाहे प्रदेश में बहुमत की बात हो, ऐसा नहीं है कि प्रचार नहीं किए गए थे, कई पार्टियों ने अपने प्रचार किए, कई पार्टियों ने अपनी बात रखी, केजरीवाल भी यहाँ पहुंचे थे, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जो एक तरफा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और इसी से समझ में आता है कि क्या वो सिर्फ राम राज्य से नहीं मिल गया, विकास की गति से भी ये मिला होगा डेफिनेटली। तो आप तमाम लोग जुड़े और आपने अपनी बात रखी, पीयूष जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, मुखर प्रवक्ता है, तो उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।